और लाडलो क्या हाल है? देख रहे हो मेरे पीछे सामान, ये सारी स्पीति की तैयारी हो रही है। अभी जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी मैं स्पीति निकल चुका हूँ। ये सारा सामान इतना इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग गया और सुबह सुबह निकल रहे हैं हम 3 बजे स्पीति के लिए, तो एक एक करके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमारी सेफ्टी के लिए सामान है वो दिखाऊंगा। ये सबसे पहले नी गार्ड, ये दोनों नी गार्ड हो गए, ये एक हमारे पास राइडिंग जैकेट हो गई, एक हेलमेट हो गया। हेलमेट बहुत अच्छी कंपनी का होना, मतलब अच्छा होना चाहिए। ये टोट सर्टिफाइड हेलमेट जरूर, टोट सर्टिफाइड और ये ISI ये जरूर होना चाहिए। हेलमेट राइड पे जाओगे आप तो हेलमेट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा आपको। हमारा हो गया हमारी सेफ्टी के लिए। अब मैं दिखा रहा हूँ मैं जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके जा रहा हूँ। मेरे पास 2 मोबाइल है, एक ये रहा, एक से वीडियो बना रहा हूँ अभी, एक GoPro हो गया, 2 सेल्फी स्टिक हो गई अगर एक ख़राब हो जाए तो बीच में, और ये वाटरप्रूफ फ़ोन कवर हो गया, ट्राईपोड हो गया, बाकी ये मोबाइल के माउंट हो गए, ये बोया का माइक हो गया, बाकी ये वाटरप्रूफ हो गया इसका GoPro के लिए, और एक अलग से पेन ड्राइव लिया है जिससे हम अपने ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टोरेज इसमें कवर कर पाएंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी सबसे ज़रूरी चीज़, एक तो हमारी ज़रूरी चीज़ हो गई हमारे राइडिंग गेयर्स, उसके बाद ज़रूरी चीज़ आती है हमारा मेडिकल का, वो जो भी अगर हमें कोई रात रास्ते में दिक्कत होती है हमें या और किसी को भी, बैंडेज हो गई, बीटाडीन हो गई, ये क्रैप बैंडेज हो गए, गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, ये ग्लव्स है कुछ, इनका भी मैं यूज़ बताऊँगा राइड पर चलते टाइम, और एक ये मेरा नी के लिए होगा, और ये झंडू बाम हो गई सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है झंडू बाम, बाकी ये शू कवर हो गए अगर बारिश वगैरह आती है तो उस टाइम पे हम इनको यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद रह जाते हैं हमारे सर्दियों के लिए कपड़े, तो स्पीति जा रहे हैं तो मान के चलो तुम्हें 2-3 डिग्री ठंड मिलेगी वहाँ पे, तो उसके लिए ठंडे कपड़े के लिए कपड़े चाहिए, तो मैंने 2 स्वेटशर्ट रख लिया और 1 जैकेट रख लिया, बाकी अपने इसमें है ही सारा सामान हो गया। ये अपने कपड़े, टी शर्ट, पैंट और ये पजामे, और ये अलग से अपना पाउच है पैसे वगैरह रखने के लिए या कुछ भी इम्पोर्टेंट सामान जो अपने पास से होगा। बाकी हमारे सेफ्टी गेयर्स में रह गए थे ग्लव्स, देखो इनमें मैंने 2 चीज़ें ली है, ये ग्लव्स है और ये अंदर के लिए है अगर हवा वगैरह लगे तो, इनमें जैसे यहाँ से हवा क्रॉस करती है तो ये हमें उस चीज़ से बचाएंगे। बाकी अपना उस साइड में जा रहे हैं तो बारिश का थोड़ा बहुत तो है ही, तो अपना रेन कवर हो गया, एक अच्छी क्वालिटी का रेन कोट मैंने ले लिया है कि बार बार मेरे को वो 200-400 वाले बार बार एक राइड पे जाओ तो खराब हो जाते, तो उससे बच गए थे, एक बार ही मैं ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा। बाकी अपनी एक कैप हो गई, बाकी अपनी एक हैंड कैप हो गई है, ये भी जरूरी है हेलमेट में पहन डालने के लिए, और ये अपने सैडल बैग हो गए। और अभी हम सुबह निकलेंगे, सुबह तीन बजे निकलने के बाद हमारा पहले स्टे रहेगा रामपुर का, तो उसके बाद शायद रामपुर के बाद हम सीधा काजा ही जाएंगे। तो YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, और स्पीति राइड पे हमने पहले भी अपनी वीडियो डाली थी, अगर कोई साथ चलना चाहता हो, ऐसे ही हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लाते रहेंगे। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं, अब तो सीधा बाइक पे मिलेंगे आपको, और ये वीडियो आपको मिलेगी, मैं निकल चुका हूँ, अगर कोई अपडेट के लिए मैं इंस्टा पे अपडेट करता रहूँगा, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, दबास ट्रैवल बग्स करके चैनल है उस पे भी, तो उस पे सर्च करके उसको फॉलो कर लेना अगर बीच में किसी को मिलना हो। चलो बाय।